विलयन चैप्टर में विलेयता। विलेयता क्या होती है? किसी भी अवयव की अधिकतम मात्रा जो कि किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में एक निश्चित ताप पर घोली जा सकती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? विलेयता। क्या होगी विलेयता? किसी अवयव की, अवयव या विलेय, अवयव की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, जो कि एक निश्चित ताप पर विलयन की, विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है। ठीक है, तो इसको समझते देखो। मान लो एक विलायक लिया अपन ने, उसकी मात्रा फिक्स कर दी कि अपने इतना विलायक ले लिया, ठीक है, उसकी मात्रा फिक्स कर दी। जैसे मान लो अपन ने 1 लीटर विलायक ले लिया, ठीक है, अब 1 लीटर विलायक ले लिया और इसका टेम्परेचर भी क्या कर दिया अपन ने? कॉन्स्टेंट फिक्स कर दिया। अब किस इसमें कोई विलेय डाले अपन ऊपर से, तो उसकी कितनी अधिकतम मात्रा इसमें घोली जा सकती है? तो वही क्या होगी इस विलेय की? विलेय, विलेयता, ठीक है। विलेयता क्या होगी? किसी अवयव की अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, वो क्या हो जाएगी? विलेयता, ठीक है। अब विलेयता को सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें गैस की दरों में विलेयता। गैस की दरों में विलेयता, अब गैस की दरों में विलेयता क्या होगी? मान लो कोई द्रव है, विलायक द्रव है, ठीक है, उसमें अपन गैस घोलते हैं और उस द्रव का टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, तो उसमें कितनी क्वांटिटी, अधिकतम कितनी गैस अपन घोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस को अगर द्रव में घोले तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, वाले कारक, ठीक। तो अपन देखते हैं कि गैसों की दरों में विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन, फर्स्ट होता है ये किस पे डिपेंड करती है? गैस की प्रकृति। फर्स्ट कारक होगा गैस की प्रकृति। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या है? ध्रुवीय जो गैस होगी वो ध्रुवीय विलायक में विलय होगी, ध्रुवीय जो द्रव होगा उसमें विलय होगी, और जो अध्रुवीय गैस होगी वो अध्रुवीय विलायक में विलय होगी। जैसे एग्जांपल देखते अपन, इसका तो मतलब ये हो गया ध्रुवीय गैस ध्रुवीय में विलय होगी, ध्रुवीय द्रव में विलय। और जो अध्रुवीय गैस होगी अध्रुवीय विलायक में विलय होगी, अध्रुवीय द्रव में विलय होगी। ठीक है, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में विलय होगी और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में विलय होगी। जैसे एग्जांपल देखो आप, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या है? अध्रुवीय है, तो वो H2O, वाटर क्या है? ध्रुवीय होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है? अध्रुवीय, और जो जल होता है वो क्या होता है? ध्रुवीय होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुली रहती है, ठीक है, जबकि HCl, HCl गैस जल में आसानी से घुल जाती है, HCl जल में
आसानी से घुल जाती है। HCl क्या है? ध्रुवीय, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, HCl। क्लोरीन की क्या है, अधिक विद्युतीय तत्व है तो आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश। H2O में क्या होता है, ये O, ये H और ये भी है, इसकी विद्युत ऋणता भी ज़्यादा है तो ये आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश या आंशिक धनावेश। तो यहाँ जो H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो HCl क्या है, ध्रुवीय। ये भी क्या है, ध्रुवीय। इसका ध्रुवण ऊपर, इसका ध्रुवण इधर है, ठीक है। तो ये इसमें विलय हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन जो गैस होती है वह ध्रुवीय होती है, तो इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगी, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं घुलेगी। घुलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, जो जलीय जंतु है उनके लिए आवश्यक होती है उतनी वाटर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन H2N2 जल में कम विलय है, क्योंकि ये अध्रुवीय होती है, जबकि HCl ध्रुवीय होने के कारण जल में क्या होती है, अधिक विलय। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड जो कारक है गैस की द्रव्यमान में विलयता को प्रभावित करने वाला, वो है तापमान। अब देखो तापमान कैसे प्रभावित करता है, आप दिमाग लगाओगे। जैसे मान लो ये एक लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड। अपन ने इसमें क्या डाली, गैस डाली इसमें। तो अगर गैस डालने के बाद मैं इसमें टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाऊँ, तो एक बात बताओ, गैस कम घुलेगी कि ज़्यादा घुलेगी? तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि उसमें एनर्जी चली जाएगी तो और भगेंगे वो, क्या इसमें घुलेंगे कि नहीं। तो सीधी सी बात है, तापमान बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है। ये आपको याद तो नहीं रखना, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपने यहाँ द्रव है उसमें गैस डाली, तापमान बढ़ाओगे तो गैस के अणु तो और भागेंगे दूर, इसमें घुलेंगे क्या नहीं। तो तापमान बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है, ठीक है। और एक जब भी अपन गैस को द्रव में मिलाते हैं, गैस प्लस द्रव, और जो विलयन बनता है, तो विलयन के बनने के साथ वो अभिक्रिया ऊष्मा से भी होती है। जब भी अपन को गैस को द्रव में मिलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, तो अभिक्रिया कैसी होगी, ये ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। किसी भी गैस को द्रव में मिलाता है, जैसे मान लो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली, कोको कोला को आप जो CO2 गैस होती है उसको किस में मिलाते हैं अपन, वाटर में, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए। तो वो क्या होती है, बोतल, ऊष्मा निकलती है उसमें से, ऊष्मा निकलती है। जैसे ही द्रव गैस को द्रव में डालते तो ऊष्मा निकलती, तो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा सेपी। अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, अब देखो ये अभिक्रिया ऊष्मा सेपी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है और अपन यहाँ पे और ऊष्मा देंगे इसको और ऊष्मा निकल रही है, तो क्या अभिक्रिया रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। पहले से ही ऊष्मा फेंक रही है अभिक्रिया और अपन उसको और ऊपर से ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये तो रिवर्स डायरेक्शन में चलाई जाएगी, जितनी घुलती होगी वो भी नहीं घुलेगी। मतलब क्या हो गया, ऊष्मा से भी अभिक्रियाओं के लिए आपको पता होगा एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। किसी भी अभिक्रिया को स्वतः होने के लिए आपको पता होगा, 11 में पढ़ा है, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। किसी भी अभिक्रिया को स्पॉन्टेनियस स्वतः होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऊष्मा निकली है, डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस सीधी सी बात है एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी क्या होता है, जितनी ज़्यादा फ्रीडम, एंट्रोपी का मतलब समझना आप, आज़ादी। गैस को जितनी ज़्यादा फैलने के लिए आज़ादी मिलेगी तो वही उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा उसकी व्यवस्था मतलब आज़ादी कम होती जाएगी तो उसकी एंट्रोपी घटती जाएगी, ठीक है। किसी भी पदार्थ के लिए उसमें जितना फैलाव व्यवस्था आएगी मतलब उसकी फ्रीडम बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे उसमें व्यवस्था आने लग जाएगी तो उसकी एंट्रोपी घट जाएगी। तो अब देखो गैस द्रव में मिल रही है, गैस यहाँ बाहर थी जब तो खुली थी, अव्यवस्थित थी, जैसे ही द्रव में मिलेगी तो एक व्यवस्था आ जाएगी उसमें, यानी उसकी आज़ादी कम हो जाएगी। आज़ादी कम हो जाएगी तो डेल्टा एस का मान एंट्रोपी में परिवर्तन कम हो जाएगा,
तो इस कंडीशन में डेल्टा एस क्या होता है? नेगेटिव। जब भी गैस दरों में घुलती है तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है, क्योंकि देख लो आप, गैस दरों में घुलेगी तो फ्रीडम उसकी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो एंट्रोपी का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस नेगेटिव आया तो ये रिएक्शन किस तरह से बन जाएगी? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच किस में आ गया? नेगेटिव, क्योंकि उसमें से भी अभिक्रिया के लिए क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच भी क्या है? नेगेटिव। तो माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस टी डेल्टा एच। ठीक है, ये तो क्या हो गया? माइनस था, जो इसका माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब इससे तो अपन को कोई काम नहीं है, किससे काम अपन को? टी, ये भी फिक्स है, ये भी नेगेटिव होगा इस अभिक्रिया के लिए। अब अगर अभिक्रिया को अपन को स्वतः कराना है तो डेल्टा जी कैसी होना चाहिए? नेगेटिव। माइनस में जाना चाहिए, ये माइनस कब आएगा? अगर ये प्लस का है पूरा और इस पूरे प्लस में से माइनस घटा दूं तो यह माइनस कब आएगा? जब प्लस की संख्या छोटी होगी। माइनस कब आता है? जैसे माइनस तीन प्लस दो करूंगा तो क्या आएगा? माइनस वन। ठीक है, अगर मैं माइनस तीन प्लस चार करूंगा तो चार में से तीन, तो ये क्या हो गया? वन। तो यह प्लस कब आएगा? ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये माइनस है, तो ये जो प्लस की संख्या होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो डेल्टा एस तो फिक्स है, एंट्रोपी कम होगी और तो यहाँ पे टी देखते हैं, ये संख्या कब कम होगा, ये वैल्यू कब कम होगी? जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो अभिक्रिया कैसी होगी? स्वतः। अभिक्रिया कैसी होगी? स्वतः। ठीक है, तो ये आ गया होगा आपको समझ में तापमान का प्रभाव। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है विलयता को प्रभावित करने वाला गैसों की दरों में, गैसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाला थर्ड कारक है, वो है दाब। ठीक है, हम जानते हैं, जैसे मान लो अपन ने किसी ये द्रव है, इसमें अगर अपन गैस मिलाएंगे और ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, या क्या लगाएंगे अपन? प्रेशर, दाब लगाएंगे। तो विलयता, सीधी सी बात है, जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगा दाब बढ़ाएंगे इस पे, तो विलयता बढ़ेगी, मतलब दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं तो दाब प्रोपोर्शनल टू विलयता, दाब बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ेगी, ये इतनी सी बात है। लेकिन इस पे ही हेनरी का नियम आ जाता है, हेनरी नियम। तो हेनरी का नियम भी इसी पर आधारित है, वो क्या कहता है? अब देखो, विलयता को किस किस में ले सकते अपन? मोलरता में ले सकते हैं, मोललता में ले सकते हैं, या मोलेंस में ले सकते हैं। अब दाब बढ़ा रहे तो अपन क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर, तापमान कांस्टेंट कर रहे हैं। ये भी तापमान पे निर्भर करती है और ये तापमान पे निर्भर नहीं करती है। एक्स क्या है यहाँ पे? मोलेंस। तो उसने क्या करा, दाब को जो विलयता थी उसको किस टर्म में लिख दिया? मोलेंस की टर्म में। तो दाब प्रोपोर्शनल टू मोलेंस। तो हेनरी क्या कहता है? हेनरी कहता है कि किसी गैस की दरों में विलयता, किसी गैस की दरों में विलयता, दरों में विलयता किसके प्रोपोर्शनल होती है? दाब के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे उसने विलयता को क्या लिखा? किसी गैस की दरों में, विलयता की जगह क्या लिखूंगा मैं? किसी गैस का दरों में मोल अंश, या विलयन में, दरों की जगह भी क्या लिख देता हूं मैं? किसी गैस का विलयन में मोल अंश। विलयता की जगह क्या लिख दे? विलयता ही मोल अंश है। ठीक है, विलयन में मोल अंश, उस विलयन पर उपस्थित आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला उसने कि किसी गैस का विलयन में मोल अंश, इस गैस का विलयन में मोल अंश उस विलयन पर उपस्थित आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अब देखो यहां से, ये जो गैस, ये द्रव है, यहाँ पे गैस, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो ये गैस इस द्रव पे प्रेशर डालेगी, तो ये क्या हो गया इसका? आंशिक दाब। आंशिक दाब के समानुपाती क्या होगा? इस गैस के जो विलयन में मोल अंश है, ठीक है, तो
तो मतलब p प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पे p क्या है, गेज द्वारा डाला गया आंशिक दाब, गेज द्वारा विलयन पर डाला गया आंशिक दाब, ठीक है। और x क्या है, यहां पर x ध्यान रखना, x बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, गैस के द्रव में, गैस के विलयन में मोल अंश, गैस के विलयन में मोल अंश, गैस के मोल अंश है किसमें, विलयन में x मोल अंश, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अपन क्या लिख देते हैं यहां, कुछ भी, x अपन को पता ही नहीं होता, बस इन बोलते हैं मोल अंश, लेकिन किसके मोल अंश, गैस के विलयन में मोल अंश क्या है यहां पे, x, ये उसने कर दिया, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो यहाँ क्या आएगा, P इक्वल टू के एच एक्स, ये जो के एच है इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक, हेनरी ने क्या नाम दिया इसको, हेनरी नियतांक, हेनरी ने क्या नाम दिया इसको, हेनरी नियतांक। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो देखना क्या होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है और केएच इधर चला जाएगा तो ओपन में चला जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स, ये इधर चला जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स, या फिर केएच प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स, मीन्स क्या हो गया, केज बढ़ेगा तो एक्स क्या दिखा रहा है, विलेता, केज बढ़ेगा तो विलेता घटेगी, केज बढ़ेगा तो विलेता, केज बढ़ेगा तो विलेता घटेगी, ठीक है, यही बता रहा है यहां पे, केज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स, ठीक है। और अभी अपन ने देखा कि तापमान बढ़ाने पर विलेता घटती है, अभी अपन ने देखा था तापमान बनाने पर विलेता क्या होती है, घटती है, मतलब केज बढ़ाऊंगा तो तापमान बढ़ेगा, केज बढ़ाने पर विलेता घट रही है, तापमान बढ़ाने पर विलेता घट रही है, विलेता घट रही है, केज बढ़ाने पर विलेता घट रही है, तापमान बढ़ाने पर, तो इन दोनों से क्या कह सकता हूं मैं, कि केज बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर केज बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक ही गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाऊंगा उसी गैस के लिए, सेम गैस के लिए केएच का मान भी बढ़ता जाएगा, ये अपने एक बुक में टेबल भी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाऊंगा तो केएच का मान बढ़ता जाएगा। अब यहां देखो, अगर ये इक्वेशन देखे अपन, p इक्वल टू केएच एक्स, आपने देखी होगी एक इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसकी किस तरह से रहती है ग्राफ, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, तो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। ये जो c होता है ये क्या होता है, अंतखंड होता है, ठीक है। और इसका ढाल क्या रहता है, वाई एम, और ये y की वैल्यू रहती है यहाँ, और यहाँ x की वैल्यू रहती है। अगर c इक्वल टू जीरो कर दूँ, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, c जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ पे क्या आएगा x, इसका ढाल क्या होगा m। अब देखो ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, y इक्वल टू एम एक्स की, p इक्वल टू के एच एक्स, यहाँ y की जगह क्या जाएगा p, m की जगह के एच, x की जगह x, ये वाले x की जगह ये मोल अंश, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये यहां तो क्या आएगा प्रेशर, यहां किसकी वैल्यू आएगी मोल अंश की, एक्स की, ठीक है। और जो इसका ढाल रहेगा एम इक्वल टू क्या रहेगा के एच, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया वो आपको समझ में, क्लियर, सिंपल है।